आज हम बनाएंगे चना चिली। चना चिली बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 शिमला मिर्च लिए। अब इनको हम धो के बड़े बड़े स्लाइसेस में काट लेते हैं। बड़ी कटोरी छोले भिगोए, अब इनको हम उबालने के लिए रख देते हैं। हमने छोलों को धो लिया, अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे और 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। यहाँ मैंने पीसा हुआ गरम मसाला लिया है, ये डाल देंगे। आप चाहे खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आप इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ढक्कन लगा के गैस पे रख देंगे। कुकर को मैंने गैस पे रख दिया, इसमें 4 सीटी आ जाएंगी जब हम इसको खोल लेंगे। मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए, इनको भी हम बड़े बड़े स्लाइसेस में काटेंगे और हरी मिर्चों का हम पेस्ट बना लेंगे और लहसुन अदरक का मैं पेस्ट डालूंगी। हमारे छोले उबल चुके हैं, अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। यहाँ मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह हिलाते हुए इसको अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे। हमने कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब तेल को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल लिए, तेल को हम गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें छोले डालेंगे। हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम छोले डालेंगे। इसको हम कम गैस पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम पलट लेते हैं, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे छोले जो फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं और सारे छोलों को हम इस तरह से ही फ्राई कर लेंगे। हो चुके हैं, इसमें से मैंने आधा तेल निकाल लिया। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और यहाँ मैंने मिर्चों को पीस लिया था, ये भी डाल देंगे। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसको हमने थोड़ा सा भून लिया, अब इसमें हम सब्जियाँ डालेंगे। यहाँ मैंने प्याज और शिमला मिर्च को बड़े बड़े स्लाइस में काटा है, ये भी डाल देंगे। इनको हमने थोड़ा सॉफ्ट ही करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। इनको हमने थोड़ा सॉफ्ट करना है। अब हमारे प्याज और शिमला मिर्च हैं सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इनमें हम मसाले डालेंगे। एक चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच सूखा धनिया, कस्तूरी मेथी लिए, ये भी डाल देंगे। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब इसमें हम छोले डाल देंगे। इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब इसमें हम सॉस डालेंगे। चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच विनेगर और यहाँ मैंने 2 चम्मच टोमेटो सॉस लिए, ये भी डाल देंगे।
अब इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हमने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको हम एक मिनट के लिए पकने देंगे। अब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने एक मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। धनिया को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी सब्जी बनकर है जो तैयार हो चुकी है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। हमारी चना चिली बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।